नाचो उछल उछल के चलो कहानी के देश चलो। वहाँ नाचती सोनची रैया ताता थैया पेड़ों पर उगते हैं पैसे चूहे लगते हाथी जैसे छड़ी जादुई परियां लाती गीत सुनाती खेल खिलाती जहाँ लगे हैं दस दस पहिए तेज दौड़ती कार में। ये कहानियों की दुनिया है आओ आओ। सोने की लंका जला दी थी बंदरों ने, एक बार एक दर्जी की बुरी गत बना दी थी। कौन सा दर्जी कौन सी गत कहानी सुना सुना सुना। हाँ, कहानी सुना 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 सुना। ये किस्सा यहाँ का है वहाँ का है कहाँ का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्जी हर जगह होते हैं और बंदर भी हर जगह होते हैं। बहरहाल एक दर्जी था, तरह तरह की टोपियां सिलने में माहिर, रंग बिरंगी टोपियां, लाल नीली पीली हरी तुर्रे वाली गोटे वाली फूलों वाली हर तरह की टोपियां बनाने में माहिर था। और वो सारी टोपियां अपने सिर पर ही सजाता था ऐसे, और गांव गांव घूम करके टोपियां बेचता था। एक बार क्या हुआ कि वो दर्जी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, रास्ते में पड़ा जंगल। गर्मी की दोपहर थी, पसीने से लथपथ दर्जी ने जब पेड़ों की ठंडी छांव देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एक पेड़ के नीचे जाकर के सो गया। अच्छा, सोते समय भी उसकी टोपियां उसके सिर पे लगी रहती थी, तो एक पेड़ के नीचे जाकर के वो दर्जी सो गया। घंटे दो घंटे बाद दर्जी ने अपनी आंखें खोली और उसके सर पर रखी हुई टोपियों को उसने हाथ से टटोली और देखा, ये क्या टोपियां तो गायब, सारी की सारी टोपियां गायब, सिर्फ एक टोपी को छोड़कर जो उसके सर पे लगी हुई थी। दर्जी बेचारा चकराया, आसपास चक्कर लगाया, दाएं देखा बाएं देखा आगे पीछे भी देखा, झाड़ियों में खोजा घासों में ढूंढा, कहां गई मेरी टोपियां, कहां चली गई मेरी टोपियां, कहां है मेरी टोपियां, अरे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तभी पेड़ों पर बंदरों का शोर सुनाई दिया। उसने सर उठाकर जैसे ऊपर देखा, पेड़ पर ढेर सारे बंदर दर्जी को देख देख कर आवाज निकाल रहे थे, बंदर मारे खुशी से शोर मचा रहे थे। हर एक बंदर के सिर पर एक एक टोपी थी। दर्जी चिल्लाया, ए शैतान बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। बंदरों ने भी दर्जी की तरफ देखा और उसकी नकल कर दी। दर्जी को बड़ा गुस्सा आया, इस बार उसने हवा में एक मुक्का लहराया, बंदरों को दिखाया और बोला, ए मेरी टोपियां वापस करते हो या नहीं। बंदरों ने भी अपना एक हाथ ऊपर किया हवा में और दर्जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बंदरों को बड़ा मजा आ रहा था। इस बार दर्जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, मेरी टोपियां वापस करो नहीं तो तुम्हें मैं इसी पेड़ पर उल्टा टांग दूंगा। बंदरों ने भी दोनों हाथ ऊपर किए, अब यही होने लगा। दर्जी चिल्लाए तो बंदर भी चिल्लाए, दर्जी पैर पटके तो वो पैर पटक पटक के नाचने लग जाए, दर्जी हाथ जोड़े तो बंदर भी हाथ जोड़ दे,
नकल पे नकल, नकल पे नकल, नकल पे नकल। दर्जी परेशान हो गया, उसने अंत में पत्थर उठाया और घुमा के मारा बंदरों को। बदले में बंदरों ने पेड़ से फल तोड़ दिया। दर्जी भागा। रात होने को भाई यही चलता रहा। दर्जी ने कहा चलो टोपियों का मोह छोड़ो और जान बचाओ, जंगल का मामला है, रात बिरात जानवर आ जाए। उस बेचारे ने एक बार उदास मन से आखिरी बार अपनी टोपियों को देखा, अपने सिर पर हाथ फिराया, अपनी टोपी निकाली और निराशा से जमीन पर गिरा। चमत्कार हो गया, बंदरों ने भी अपनी टोपियां उठा उठा कर जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। निकलती बंदर से टोपियों की बरसात, लाल नीली नीली टोपियां। फटाफट दर्जी ने अपनी सारी टोपियां उठाई, अपने सिर पे जवाई और अपने रास्ते चल दिया। तो नकलची बंदरों ने दर्जी को खूब छकाया, पर वही नकलचीपन दर्जी के काम आया। हर जानवर का अपना स्वभाव होता है, वो हमारी तरह खाता पीता है, हंसता रोता है और हर जानवर की दाढ़ी भी होती है। जानू काका, जानवरों की दाढ़ी नहीं होती है। नहीं होती है ना? होती है, होती है, जानवरों की दाढ़ी होती है। ये देखो इसकी भी दाढ़ी है और इसकी भी दाढ़ी है। आदमी भी तो एक जानवर है। जानू काका, जानू काका, बब्बर शेर की भी तो दाढ़ी होती है। बब्बर शेर की भी दाढ़ी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पहेली बुझो। पहेली नंबर एक, किसके सींग हर साल गिरते हैं और फिर उग जाते हैं? वाह वाह, हिरन, बिल्कुल ठीक। अब पहेली नंबर दो, कौन खाती अंदर डकार जाती, बाहर लाती और फिर खाती? गाय। बदमाश, इसको पहले से पता था गाय। अच्छा पहेली नंबर तीन, किसका ऐसा ढंग रोज बदलता रंग? गिरगिट, गिरगिट, रोज बदलता रंग। अच्छा अब पहेली नंबर चार, किसकी भक्ति झूठी और भक्ति का वो करे दिखावा? कौन? हाँ बोल। बगुला, बगुला, बगुला भगत। कौन? भगत। हाँ देखा जोगनो, हाँ बच्चे वही बात कर रहे हैं जो उस दिन तुम लोग कर रही थी। वही गुपचुप 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 गुपचुप। एक अनोखी कथा सुनाऊं, चांद सितारों से मत कहना, तुमको ऐसी बात बताऊं, मुंह खोला तो इस सारी मिट्टी में मिल जाएगी। टीचर कहेगी नालायक, मम्मी डांट पिलाएगी। कुत्ता बिल्ली गैया घोड़ा जंतु जितने इस जग में, सबके किस्से तुम्हें मिलेंगे इस टीवी के सीरियल में। लगता है हम बहुत कोप है जीव जंतुओं से ऊंचे, लेकिन सच्ची बात ये बच्चों हम भी उनके जैसे हैं। वैसा गुस्से में चिंगारे हम, कुत्ते सी हम पक 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 करते, और नकलची बंदर हम। इनके किस्से हमको अपना असली रूप दिखाते हैं, कैसा है अंदर मन अपना शीशा खूब दिखाते हैं। देखो सुनो जो किसे इनके, उनमें पहचानो अपने को, मुझको तुमको उसको किसको, पहचानो तुम सबको, पहचानो तुम सबको।
कश्मीर की मनभावन घाटियां, फूलों से लदी भरी वादियां। रहता था वहां एक अमीर सौदागर, ईमानदार और अक्ल का धनी। उसकी बीवी थी बड़ी हठीली, हर बात पे करती थी अनसुनी। उनका था बेटा एक ही बस, तीखे नैनक्ष पर अकल का ठस। नाम था अजदक। उसकी अम्मा हर बुराई में उसका साथ देती थी, तो धीरे धीरे वो हो गया एक नंबर का आलसी और निकम्मा। एक दिन सौदागर की बीवी सौदागर से बोली, सुनो अजदक के अब्बा, अजदक हो गया है जवान, अल्लाह है उस पर मेहरबान, जल्दी से ढूंढो उसके लिए दुल्हन सुंदर सी, बहू देखने को तरस गया है मेरा जी। सौदागर हैरान रह गया, बोला कैसी बात करती है तू, दो कौड़ी की अकल नहीं तेरे अजदक में, ना काम का ना काज का, दुश्मन मन भर अनाज का, उस पर कर दो उसकी शादी, दुल्हन की हो जाएगी बर्बादी। पर सौदागर की बीवी जिद ठान गई, नहीं बेटे का ब्याह करो, नहीं तो अभी कुएं में कूद करके जान दे दूंगी। सौदागर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तेरे बेटे की अकल का इम्तहान लूंगा, अगर खरा उतरा तो शादी कर दूंगा। अब देखें शादी होती भी है या नहीं, क्या पता शादी हो ही जाए। अरे अच्छे अच्छे कदों की शादी हो जाती है, मेरी भी हो गई है। तो सौदागर ने अजदक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बरखुदार मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा और तुम्हारा इम्तहान लूंगा। तो अजदक ने कहा, ले लो इम्तहान। हाँ अबू ले लो इम्तहान ले लो मेरा। सौदागर ने झट उसके हाथ में 3 रुपए रखे और उससे कहा, 1 रुपये का कुछ भी खा ले, दूजा तू दरिया में डाले, और तीसरे से तू लाना, 5 चीज तू अगर सयाना। क्या कहा? 1 रुपये का कुछ भी खा ले, दूजा तू दरिया में डाले, और तीसरे से तू लाना, 5 चीज तू अगर सयाना। 5 6 क्यों नहीं? कम वक्त पहले 5 तो लेके आ जा। तो बताइए कौन कौन सी 5 चीज है। कौन कौन सी 5 चीज है? तो सुन, कुछ खाने को हलवे जैसा, कुछ पीने को शरबत जैसा, कुछ ऐसा जो पुत्रे काटे, कुछ ऐसा जो बोए बाटे, और 5वीं हो निस्तारा, मिले गाय को कुछ तो चारा। तो अजदक ने 1 रुपए की खाई मिठाई और 1 रुपए सच में नदी में फेंक दिया और 1 रुपए मुट्ठी में लेकर चौराहे पे खड़े होकर लगा रोने। बाजार रुपया केवल एक, 5 चीजें खरीदू उससे, कैसी कठिन कड़ी है, कौन राह सुझाए, मुझको मुश्किल आन पड़ी है। अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये लो आ गई मुश्किल। तभी लुहार की तेज तरार सुंदर लड़की हसीना वा आ पहुंची और 6 फुटे हट्टे कट्टे नौजवान को रोता देखकर वो हंसने लगी। पहले तो उसने अजदक को गुदगुदी करके हंसाया और फिर उसकी मुश्किल भी हल कर दी। उसने कहा कि तुम अपने अब्बा को 1 रुपए का बड़ा सा तरबूज खरीद कर दे दो तो उन्हें 5 चीजें मिल जाएंगी। अब 5 चीजें कौन कौन सी? कौन कौन सी? कुछ खाने को हलवे जैसा, कुछ पीने को शरबत जैसा, कुछ ऐसा जो कुत्ते काटे, कुछ ऐसा जो बोए बाटे, और 5वीं हो निस्तारा, मिले गाय को कुछ तो चारा। कुछ लड़कियां पेट में दाढ़ी लेकर के पैदा होती हैं, इतनी अकल होती है उनमें इसके जैसी। अब दाढ़ी बाहर हो तो कोई नोच भी ले ऐसे। अकल तो पेट के अंदर होती है, नोचे भी तो कैसे। तो अजदक ने उस 1 रुपए का एक बड़ा सा तरबूज खरीदा और ले जाकर के सौदागर को दे दिया। सौदागर समझ गया कि इसके पीछे कोई अक्लमंद लड़की है और वो लड़की सुंदर भी होगी और साथ ही वो शादी की उम्र की भी होगी। और वही हुआ। अजदक ने कहा, अब्बा हसीना ने मेरी मुश्किल हल कर दी। सौदागर ने झट से अजदक का ब्याह हसीना के साथ तय कर दिया। करना ही था, नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। और कहानी आगे बढ़ी यूं कि अजदक के दोस्तों ने अजदक को कहा, अरे अजदक मियां, तुम्हारी बीवी तुम्हें खूब नचाएगी दबाएगी, हमारा दोस्त रहेगा अपनी बीवी के नेफे में बंद, क्योंकि उसकी बीवी है जरूरत से ज्यादा अकलमंद। अजदक डर करके रोने लग गया। तब उसके दोस्त ने उसको समझाया कि सुन, तू उसके सामने शर्त रख दे कड़ी, ताकि वो तुझसे रिश्ता तोड़वा करके खुद ही भाग जाए। अच्छा? तू उसको बोलना कि शादी के बाद 7 जूते मारूंगा तुझे हर रोज, मंजूर है तो शादी कर, नहीं तो पीछा छोड़। हसीना ये शर्त सुनकर के हंसने लगी, हंसो। और उसने अजदक की शर्त मान ली। हाँ। और ढोल ढमाकों गाजो बाजों और ताशों के बीच हंसी खुशी से दोनों की हो गई शादी।
शादी की पहली रात जैसे ही अजदक ने जूती उठाई, हसीना ने उसको रोक दिया। ना 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 ना, सुहाग रात का शगुन ना बिगाड़ो सजना, कल 7 की जगह 14 जूते मार लेना। और दूसरी रात जैसे ही अजदक ने फिर जूती उठाई, वैसे ही फिर हसीना ने उसको रोक दिया। ना 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 ना, सुहाग रात का पहला हफ्ता है, शगुन ना बिगाड़ो सजना, अगले सोमवार को 7 × 7 = 49 जूते मार लेना। तो देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और जैसा कि रिवाज है, हफ्ता पूरा होने के बाद हसीना चली गई अपने घर। इधर हसीना मायके गई, उधर अमीर ने अजदक को अपने पास बुलाया, उसे ढेर सारा बेशकीमती सामान देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया बसरा। मियां अजदक, कमबख्त क्या कर रहे हैं, चलिए बसरा, चले निकलिए, आइए, चलिए चलिए बरखुरदार, आइए। अरे आ गए अबू, आ गए अबू, चलिए जाइए जाए। आप, अरे हम सब भी आते हैं भाई, आइए चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। रास्ते में आया एक सुंदर शहर, वहां रहती थी बड़ी सुंदर चालाक और लालची औरत। वो हर आने जाने वाले को चौपट खेलने का न्योता देती थी और जो हार जाता था उसकी सारी दौलत हड़प लेती थी। उसने अजदक को भी न्योता दिया चौपट खेलने का और बोली, मियां अजदक, मेरे पास एक जहीन तरीन बिल्ली है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है। मैंने इसकी पूंछ के ऊपर 7 दिए जला के रखे हुए हैं। हाँ, जब तक मैं नहीं कहूंगी ये बिना हिले डुले ऐसे ही बैठी रहेगी, और अगर एक भी दिया गिर गया तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी और मैं तुम्हारी बांदी बन के रहूंगी। अच्छा? और अगर एक भी दिया नहीं गिरा तो तुम्हारी सारी दौलत मेरी और तुम सड़ोगे जेल के अंदर उम्र भर। आय हाय हाय हाय, क्या बताऊं, 3 दिन और 3 रात तक खेल जमा, बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब तक मियां पूरी तरह से थक गए। खेलते खेलते उनको झपकी आ गई और वो लुढ़क गए। लालची औरत ने उन्हें जगाया, अरे मियां अजदक, अरे भाई उठिए, या तो अपनी हार मान लीजिए या फिर खेलिए। लालची औरत ने कहा, अजदक मरता क्या ना करता, अजदक ने अपनी हार मान ली। चालबाज औरत ने आखिर अजदक को फिर किया गुलाम, हीरे मोती माल मलीदा हथियार कर सारा सामान, अजदक के सारे नौकर कैद हुए तहखाने में, दर दर रोता पछताता भूल हुई अनजाने में। लंबे अरसे कैदी बनकर रहा वहाँ अजदक सौदागर, तभी वतन का एक दिन उसको दिखा एक मुसाफिर। उसने अपना हाल सुनाया, अपने घर भेजा पैगाम, लिखा एक खत अब्बा को, मैं कैदी हूँ मुझे छुड़ाओ, मैं कैदी हूँ मुझे छुड़ाओ, मैं कैदी हूँ मुझे छुड़ाओ। जानू काका, और खत पड़ गया हसीना के हाथ। पढ़ना ही था, नहीं तो किस्सा गड़बड़ हो जाता। खत पढ़ा, हसीना ने अपने ससुर को पढ़ाया और तब मर्दाना यानी के आदमी का भेष बनाया और अपना सारा कारवा लेकर के हीरे मोती का चल पड़ी वो बसरा। उसे भी लालची औरत ने न्योता दिया चौपड़ खेलने का, लेकिन हसीना थी होशियार। उसने लालची औरत के नौकर को बुलाया और 100 अशर्फियां देकर के पूछा कि ये बिल्ली असली है या जादुई। नौकर ने कहा कि बिल्ली तो असली है। तब खेल जमा, हसीना ने पासे फेंके, फिर लालची औरत ने, फिर हसीना ने, फिर लालची औरत ने, फिर हसीना ने, फिर लालची औरत ने, हसीना ने, लालची औरत ने। अरे कहानी तो आगे बढ़ाओ जानू काका, आगे आप ही बढ़ा दीजिए। मैं बढ़ा दूं? चलो ठीक है, बढ़ गई। तो हसीना की बगल में था एक मुंह बंद थैला। उसने इधर उधर देखा और नजरें बचा करके थैले का मुंह थोड़ा सा खोला। जैसे ही थैले का मुंह खुला, 3-4 चूहे वहां से निकले और फुदक फुदक कर पूरे कमरे में भागने लगे। बिल्ली ने देखा, उसकी लार टपकी, उसकी बाछें खिल गई, वो खुश हो गई, उसकी पूंछ हिलने लगी। लालची औरत ने बिल्ली को आंखों ही आंखों में घोड़क दिया और बिल्ली फिर से मूरत बनकर बैठ गई। आगे मैं सुनाऊं? मैं सुनाऊं? ठीक है सुनाओ। थोड़ी देर बाद हसीना ने पूरा थैला खोल दिया और उसमें से ढेर सारे चूहे निकले और कमरे में दौड़ने लग गए, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बिल्ली ने देखा, बिल्ली कैसे रह जाती, चूहों को देख करके बिल्ली न झपटे तो बिल्ली किस बात की। बस बिल्ली ने आओ देखा ना ताओ,
पूँ झटकी, सातों दिए गिरे और बिल्ली चूहों पे लपकी। वो शैतान औरत चिल्लाती रह गई। हसीना ने दूसरे थैले में से झट से हथकड़ी निकाली और उस शैतान औरत के हाथ में डाल दी और कहा कि आज से तू मेरी बांदी है, तू मेरी दासी है। उसके बाद हसीना ने सारे सौदागरों को कैद से निकाला और छोड़ दिया और अजदक को अपने महल में ऊपर बुलाया। अब अजदक पहुंचा तो अजदक ने भी मर्दाना वेश में हसीना को नहीं पहचाना। उसने अपनी बीवी के पैर पकड़ लिए। आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा, पूजा और बंदगी करूंगा। उसके बाद हसीना बोली, मैं तुमको एक छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने एक चांदी की थाली में एक सोने का जूता उसको भेंट दिया। अजदक हैरान रह गया। अजदक ने कहा, ये जूता क्यों? और तभी हसीना ने अपनी पगड़ी उतारी और बाल झटके और अजदक के सामने खड़ी हुई थी उसकी समझदार और सुंदर बीवी हसीना। हसीना बोली कि सुनिए, आप जो 7 जूते रोज मुझे मारेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरी भेंट दी हुई इस सोने की जूते से मारे, ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपकी जान बचाई थी। अजदक पानी पानी हो गया और हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर अजदक ने हसीना से कहा, क्या कहा? उसने कहा, मुझको माफ करो हसीना, तुम जीती मैं हारा, मैं हूँ बेहद शर्मिंदा, खुराफात अब आगे से नहीं करूंगा आइंदा, नहीं करूंगा आइंदा, नहीं करूंगा आइंदा। जैसा सुंदर देश कश्मीर वैसा ही एक जानवर रंग रंगीला बिन मारे वो रोवे, एक जानवर रंग रंगीला बिन मारे वो रोवे, जिसके सिर पर 3 तिला के बिना बतावे सोवे, बोलो क्या 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 अरे क्या 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 मोर घमंडी देख स्वयं को लीजे, मोर घमंडी देख स्वयं को लीजे, रूप निहार कर अपना कुंड सरोवर में, रूप निहार कर अपना कुंड सरोवर में, देख पाऊं वो खीजे, देख पाऊं वो खीजे, अरे देख पाऊं वो खीजे। चलो 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 बच्चों, उछल उछल के चलो कहानी के देश चलो, चलो 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 बच्चों, उछल उछल के चलो कहानी के देश चलो, वहाँ नाचती सोन चिरैया, ताता थैया पेड़ों पर उगते हैं पैसे, चूहे लगते हाथी जैसे, छड़ी जादुई परियां लाती, गीत सुनाती खेल खिलाती, आइसक्रीम जमी पर्वत पर, उड़े खटोले उड़ते फरफर, जहाँ लगे हैं दस दस पहिए, तेज दौड़ती कार में, जहाँ अलादीन का जादुई चिराग है, उड़ते कालीन जहाँ टॉफियों का बाग है, जादूगर गडरिए है, लड़की कभी परी बने, तारे कभी चंदा बने, ये कहानियों की दुनिया है। दैत्य देव पशु पक्षी बौने, परियां मानव खेल खिलौने, जादू टोना कौतुक करतब है कहानियों में शामिल सब, तरह तरह के कहने वाले, सबके ही अंदाज निराले, चप्पा चप्पा लिए कहानी कहते आई दादी नानी, मनगढ़ंत गप्पे या सच्चे किसे इन्हें सुनाओ, ये कहानियों की दुनिया है।